चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ यह अर्जी लगाई है, नियुक्ति से सरकार को दूर रहने की अपील की। चयन समिति में सीजेआई जरूर हो, कांग्रेस का यह कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर औपचारिक मेल मांगा है बाकायदा, तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है। कांग्रेस की तरफ से ये अर्जी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और इसमें कहा गया कि सरकार इस नियुक्ति से दूर रहे। मैंने पिटीशन करी है कि इनके जो ऑर्डर इनको रिस्टीन करना चाहिए और जितनी भी इलेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है वो पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और एक कमेटी का गठन होना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस उसमें इंक्लूड होना चाहिए, जिससे इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से संचालित किया जा सके, तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और सरकार इससे दूर रहे, इस नियुक्ति प्रक्रिया से। इसे लेकर यह अर्जी दाखिल की गई है। लेकिन देखिए, अभी कई सारे सवाल हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और इसी को लेकर सवाल तो बनता है। क्या सवाल बनता है, अब आपको हम ये समझाते हैं इस पूरे मामले पर। और देखिए, क्या चुनाव तारीखों के ऐलान के लिए तीनों चुनाव आयुक्त का होना जरूरी है? यहां पर जवाब क्या है इसका कि नहीं, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर तारीखों का ऐलान होना है तो उसके लिए तीनों चुनाव आयुक्तों का वहां पर रहना जरूरी है। अब दूसरा सवाल, चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद खाली पड़े इलेक्शन कमिश्नर के पद नहीं भरे जा सकते हैं, तो इसका जवाब है सीईसी की इजाजत इसमें जरूरी होगी, इजाजत लेनी होगी तभी यह संभव हो पाएगा। तो यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके मन में भी उठ रहा होगा। और अब इस पूरे मामले पर हम रुक कर लेते हैं। निपुण सहगल इस तरह के खबरों को बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों को समझाते हैं। निपुण, अब इसमें कई असमंजस बनता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है कि कहीं देरी ना हो जाए, और इसकी वजह यह तो नहीं है क्योंकि नियुक्ति होती भी है अभी या नहीं हो पाएगी, इस पर एक सवाल, आपका आंकलन क्या कहता है? देखिए, बहुत सारे आपने सही कहा कि असमंजस की स्थिति बनती है जब ऐसी एक जटिल परिस्थिति बनती हुई दिखाई देती है। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आपने कहा कि कांग्रेस ने याचिका दाखिल की है जी। जया ठाकुर अपनी निजी कैपेसिटी में याचिकाएं दाखिल करती हैं, सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल कर चुकी हैं, तो कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से याचिका दाखिल की है या नहीं की है ये नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात कि ये याचिका जरूर दाखिल हो गई है, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव, और वो भी आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव एक बहुत अहम विषय है, जहां पर कि सिर्फ एक आवेदन आने के चलते कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करे कि सरकार का दखल ना हो नियुक्ति में, या जो नया कानून बनाया संसद ने उसको स्थगित कर दे, रद्द कर दे, ये विस्तार से सुनने के मुद्दे हैं। सिर्फ एक आवेदन आ जाने के चलते सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि सरकार कोई नियुक्ति ना करे, मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है। सुप्रीम कोर्ट सुनेगा जरूर, लेकिन यही कहेगा कि आज जो कानून है जिसे दिसंबर में संसद ने पास किया था वो एग्जिस्टिंग लॉ है, वो देश का कानून है, और उसको रद्द करने के लिए या उसको उसमें कोई सुधार करने के लिए विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। ये मौका नहीं है जहां पर कि विस्तार से सुनवाई हो सकेगी। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार जो नियुक्ति करने जा रही है उसमें कोर्ट की तरफ से कोई रोक या बंदिश लगने वाली है। बस ये देखना है कि 14 या 15 मार्च तक अगर सरकार नियुक्ति कर पाती है तो उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।